हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे मैंने बताया था ना कि मैं गांव जा रही हूँ, तो आज मैं गांव जा रही हूँ अपने उत्तराखंड। और सुबह सुबह के 4:30 बजे देखो, अभी हल्की हल्की सा मतलब अंधेरा है, अभी रोशनी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है आपको मतलब अंधेरा लग रहा होगा। तो बस अब निकल गए हैं हम, साथ में है लव। लव आ गया, लव को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो बस अब जाएंगे क्योंकि गाड़ी कर रखी है मम्मी और उन्होंने, तो गाड़ी आएगी यहीं पर ही पास में, यहीं पे एक स्कूल है उसके पास में गाड़ी आएगी। फिर हमने वहाँ जाना है जहाँ मम्मी और है वसुंधरा, वहाँ से मम्मी औरों को लेना है। और उसके बाद सीधा कहाँ ला, कहाँ जाएंगे हम सीधा? सीधा गांव जाएंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो। ये रहा लव, मस्ती करते हुए। लव डॉगी डॉगी डॉगी, लव डॉगी, देखो बाहर डॉगी। इस टाइम पे देखो भैया, इस टाइम पे डॉगी है, देखो बाहर। आराम चलो, आराम चलो, ये देखो डॉगी है ना, आराम चलते, भागते नहीं डॉगीज के सामने, डॉगीज के सामने नहीं, डॉग्स के सामने। आराम चलो ला, जैसे इस टाइम पे खाली रोड है। हाँ क्या बोलूँ मैं इसमें, क्या दिखाऊँ मैं इसमें, ये रोड देख लो भाई, ये फ्लैट देख लो जो हमारे लेने के बस के नहीं है, बड़े महंगे महंगे फ्लैट हैं, करोड़ों के हैं, करोड़ों के फ्लैट देख लो, बस ये दिखाऊं। ये देखो सूरज की पहली किरण आ गई सुबह 6 बजे, साथ में रोटी और लव, लव ने तो डब्बा पकड़ा हुआ है, बस ये देखो लड्डुओं का डब्बा पकड़ा हुआ है, बस वही खाने में लगा हुआ है। तब चाय पियेंगे, मेरठ से आ गया है मुझे लग रहा है शायद। लव उसको नहीं छेड़ते, यहाँ बैठो। हापुड़, हापुड़ में आपसे अभी तो आधे से भी आधा रास्ता कवर हुआ है, अभी तो पता नहीं कितना रास्ता है। गर्मी से बेहाल, जब गाड़ी रुकती है ना, मैं तो बैठूंगी नहीं गाड़ी में तब तक जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा गाड़ी में। नहीं सच में नहीं बैठती मैं गाड़ी, जब तक मुझे तो बहुत, एक बार उतर गए ना तो तभी चढ़ना है जब बार वो होगी क्या चलेगी गाड़ी, अभी नहीं। पता नहीं आप लोग कैसे बैठे हुए हो, लव भी कैसे बैठा हुआ है लड्डू पकड़ के। लव दे मैं खोल देती हूँ, इसको लग रहा है कि इसमें गुलाब जामुन है, उसको ये देखो डोडो डोडो बेचारा परेशान हो रहा है, भौंक भौंक के उसने, ये देखो गाड़ी रुक रही है ना, उसको भी परेशानी हो रही है जब रुक रही है तो गाड़ी, मेरी तरह ये भी। ये देखो यहाँ पे मेरी बुआ आम ले रही है, आम। ये हम यहाँ पर बिजनो रोड पर है। आम ले रहे हैं, आम कैसे ले रहे हो? ये तो कह रहे 30 रुपए किलो लगा देंगे, साथ में है कोई दिक्कत? साथ में दीदी आप डोडो भी काफी देर से परेशान हो गया। डोडो क्या हो गया, गर्मी लग गई? डोडो को भी गर्मी लग गई शायद, डोडो को मुझे लग रहा है सुसु आ रही है। टॉयलेट आ रही है आपको? आपको भी आ रही है? चलो आ जाओ, आओ चलो आप सुसु करेंगे, पर इसको तो पूरा निकालना पड़ेगा मुझे, निकल
दीदी चलो आओ। तो ये हम कोटद्वार पहुंच चुके हैं, ये हमारी कोटद्वार की मार्केट, मतलब कोटद्वार थोड़ा सा ऊपर आ गए, ऊपर मतलब एक किलोमीटर ऊपर आ गए, और आगे बस हम हमारा तीन घंटे का रास्ता होगा ना मम्मी। और यहाँ सबकी बुरी हालत हो गई है, लव की उसकी डोडो की खासकर, गर्मी में जाते थे। और यहाँ पर ड्राइवर भैया उतरे हैं यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए। चलो भैया अब तीन घंटे का रास्ता है बस, फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इधर देखिए बताओ कहाँ पहुँचेंगे हम? पहुँचेंगे गाँव। तो ये हम कोटद्वार से 10 किलोमीटर आगे दुगड्डा पे आ चुके हैं। लव के मेरे मुंह में बार बार लव आ रहा है। डोडो की हालत हो गई है भैया, बहुत ज्यादा बुरी हो रही है, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई इसकी, गर्मी के कारण परेशान हो गया वो। अब यहाँ से सतपुली है 30 किलोमीटर आगे, और सतपुली से आगे 1.5 घंटे का रास्ता हमारा गाँव। कोई सुसु नहीं आ रही आपको? देखा देखी बाहर आने के लिए, अभी सुसु कराई थी ना मैंने आपको, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कह रहा सुसु आ रही है। ना एक मिनट, हाँ क्या हो गया? नहीं, अगर हम रात को आते उसने इतना परेशान नहीं होना था, नहीं होना था माँ। अरे इनके लिए जगह चाहिए ज्यादा, वो जगह की वजह से नहीं कर रहा, वो गर्मी की वजह से कर रहा। आप बताओ अगर हम रात को आते इतना परेशान नहीं होना, तो रात के सफर में दिन के सफर में आप सोचो उस दिन जब जाओगे तब क्या हाल होगा? नहीं, जाते हुए जो जिसका कुत्ता पाल रखा है उसको वही रहने दो जहाँ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन टाइम के हिसाब से चलो ना, ठंडे में चलो, है ना? ये थोड़ी ना, मैंने मम्मी को कितना बोला, मम्मी कह रही, ड्राइवर ने बोला है सुबह का, ड्राइवर मुझे कह रहा है कि वे तो कह ही रहा था रात को जाते, ये तो सुबह सुबह कह रहे सुबह सुबह ठंड में जाएंगे। कौन से ठंड में गए आए हम? लेकिन कौन से ठंड में आए हम? मुझे तो कहीं ठंड लगी, कह रहा सुसु झूठ झूठ। तो मम्मी यहाँ पे थोड़े से टेंशन के माहौल में गाना गा रही है। हाँ गाओ। या तो हंस लो या तो गाना ही गा लो। बट आपको गाड़ी दिख रही ना बस। तो ये सतपुली में हम रुके हुए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज की भूख लगी, सुबह की सिर्फ 2 रोटी खा रखी हमने। मम्मी और को छोले दे दिए बस गाड़ी में बैठा के। तो ये मंगाया हमने कढ़ी और चावल, साथ में छोले हैं, खाओ दीदी। देख ये आ गए हैं हम अपने गांव के नीचे, गाँव नहीं बोलेंगे गाँव के नीचे बोलेंगे, क्योंकि गाँव में से ऊपर जाना है। ये आ गया हमारा सीमी मंदिर के सामने हैं हम, ये कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, ये वेट कर रहे हैं सामान ले जाने का, इन्होंने सामान लेके जाना ऊपर। लव उठो बेटा चलो, लव जरा उठो जरा बेटा। दादाजी नमस्ते, ये खुल भी नहीं रहा ये। अरे दादी नमस्ते, बैठो भाई बैठो। ये आगे लवली, ये लवली भी वेट कर रही तब से यहाँ पे। किधर हो गई तुझे यहाँ वेट करते करते? हाँ लवली, 7 साल वाला देखा था व्लॉग, क्या था छोटा सा, यही व्लॉग देखना था क्या जिसमें कुछ नहीं था? ये रहा सतपुली मार्केट, और क्या बोलना है मुझे बोलो। 12 बजे इसलिए हम शक्ल को नहीं ले रहे, सतपुली को देख लो, ये तो चला गया बीच में। लव देखो बेटा, लव देखो क्या है ये,
ऊपर नहीं, अरे ऊपर नहीं देख रहा, ऊपर देख रहा बारिश, अरे ऊपर नहीं बेटा नीचे देखो, नीचे ये देखो, ये देखो वाह, ये मार्केट देखो नीचे, ये देखो लव कह रहा मुझे तो कुछ अलग नहीं दिख रहा, वो कह रहा बारिश। ये देखो ये हमारा सिमी सियार, ये हमारे गांव के का नीचे मंदिर। तो अब हमारी चढ़ाई स्टार्ट होगी हमारे गांव की, वो जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ना, ये हमारा गांव है। यहाँ तक की चढ़ाई है, ज्यादा नहीं है पर फिर भी ज्यादा है। और लव अभी तो जोश में है, लव थोड़ी देर बाद लव कहेगा मैं थक गया। लव ने भी अपना बैग पकड़ा हुआ है और ये साथ में है। आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो ये अभिषेक है, ये मेरे चाचा का लड़का है। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में है ये भी दिल्ली से आया हुआ है। थोड़ा सा सामान लेने नीचे हमारी हेल्प कराने, चलो 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 चलो। थक गया अभी, थक गया। लव कह रहा मैं थक गया। हाँ चलो 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 चलो, मैं थक गया। ये पहुंच गए हम अपने गांव, और सबसे पहले आता है हमारे गांव का ये स्कूल। अच्छा ये कौन से? हाँ मायका है मेरा, ये मायका, मायका मायका। हाँ ये मेरा तो बेटा है, बरबंद की लड़की है। हाँ अच्छा, ऐसा बहुत प्यारी। हाँ हाँ चलो 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 चलो। देखो लव यहाँ पे पता क्या रहती है, गाय बकरी वो रहती है यहाँ पे, दूध देती है, सोती है, घास खाती है यहाँ पे। चलो पहले आती थी ना मैं, तब मुझे चढ़ाई ज्यादा लगती थी, अब नहीं लग रही। ये बैठे हैं हमारे बूढ़ दादी, ये रही हमारी छोटी वाली दादी। दादी नमस्ते। वो तो छोटा भाग रहा है, चोट लगाई, चोट अरे चोट भी लगा दी उसने। और ये हमारा घर, पहुंच गए फाइनली हम अपने घर। लाओ इधर आओ बेटा। हाँ तो ये है हमारा घर, ये पहुंच गया ऊपर। हाँ तो ये 4 बजे पहुंचे हम अपने घर पर, और ये मेरे दादाजी बैठे हुए हैं, इनके हाथ में भी चोट लग गई है। और ये है हमारा नीचे वाला रूम जो कि इस वक्त अस्त व्यस्त हो रखा है। नहीं काफी सफाई करी है, मैंने सफाई और सामान सारे उधर रखा है। चलो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ मैं। हाँ आज का व्लॉग यहीं एंड करते, थक लग गई ना, थक लग गई भाई। अब बस अब कोई चाय पिला के पिला दे तो बस। चलो अब हम कल के व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय कर दो, बाय।